हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रवीना बेस्ट। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आधा कटोरी और डालूँगी बेसन। यहाँ पे मैंने डेढ़ कटोरी बेसन ले लिया है दोस्तों। यहाँ पे मैं ले रही हूँ वही डेढ़ कटोरी चीनी के लिए होंगी दोस्तों, मैं चाशनी के लिए एक, देख सकते हो आप। और ये आधा डेढ़ कटोरी हो गई है यहाँ पे हमारी। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब हम इस चीनी को चढ़ा देंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे दोस्तों। चाशनी के लिए ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना। एक तार वाली चाशनी बनानी है हमको। यहाँ पर गैस को कम कर देंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। उधर हमारी चाशनी बन रही है दोस्तों, यहाँ पे हम बेसन को भून लेंगे। इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी कम ज़्यादा कर सकते हो आप, एक साथ में ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, वरना लड्डू नहीं बंधेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। अब हम इसको भून लेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे दोस्तों, कम आंच पे भूनना है। यहाँ पे मैंने मोटा बेसन लिया है दोस्तों, लड्डू वाला। आप चाहें तो बारीक बेसन भी ले सकते हो। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी चाशनी यहाँ पे बन रही है। मैंने आंच को कम कर रखा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक चम्मच घी। ये देखिए, एक चम्मच इलायची पाउडर चाशनी में डाल देंगे हम। ये देखिए, बेसन में नहीं डालूंगी मैं, आप चाहे तो बेसन में भी डाल सकते हो। यहाँ पे करीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए बेसन को। 15 मिनट भूनूंगी मैं यहाँ पे, 15 से 20 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छे से। घी ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, वरना लड्डू नहीं बंधेंगे। ये देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं डाल रखा है। अगर आपको कम लगे घी तो ऊपर से डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम चाशनी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ऑलमोस्ट तैयार है हमारी चाशनी। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बस ऐसी ही चाहिए हमें। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको 2 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीबन 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारा बेसन भून चुका है। अब हम इसको भी ठंडा करेंगे। आप फैन की सहायता से ठंडा कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसन ठंडा हो चुका। अब हम इसके अंदर डालेंगे चाशनी। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। चाशनी थोड़ी गर्म है दोस्तों। अच्छे से मिला लेंगे इन दोनों चीज़ों को हम। जितनी ठंडी होगी उतना ही कड़क होता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पैन को छोड़ रहा है ना, जितना ठंडा होगा उतना ही छोड़ेगा ये। अभी थोड़ा गर्म है, इसको हिलाते रहना दोस्तों। ये
ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा डो ठंडा हो गया है। अब हम इसको अलग बर्तन में काढ़ लेंगे। ये देखिए कढ़ाई को भी छोड़ दिया इसने। अब हम इसको अलग बर्तन में काढ़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों ज़्यादा गर्म नहीं है, ये लड्डू बांधने के लिए तैयार है। अब हम इसके लड्डू बांधते हैं। आपको घी कम लगे तो और डाल सकते हो। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। आप भी एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और स्मूथ है ये। धन्यवाद दोस्तों।